चिल्पा ही चिल्पा, पूरी तरह चिल्पा ही चिल्पा डाला गया है, यानी और कुछ नहीं डाला गया है। और नीचे कहा जाए तो आधे टुकड़े बिछा के उसके ऊपर चिल्पा डाला गया था। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मोटी लकड़ियाँ डाली हैं, बस इतना ज़रूर रहता है कि आपने लकड़ियाँ कितनी डाली हैं, चाहे छोटी लकड़ियाँ डालें चाहे बड़ी लकड़ियाँ। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं मौसम का हाल किस प्रकार है, और अभी देख सकते हैं ईंट बनाने का काम जैसे ही जारी हुआ है तो मौसम काफ़ी बदलाव होने लगा है, यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप कभी छांव इस प्रकार हो रहा है। और अभी देख सकते हैं ईंट को किस प्रकार खड़ी किया गया है जिससे ये काफ़ी अच्छे से सूख जाए। और अभी ये देख सकते हैं इतनी सारी ईंट बन पाई हैं, इस प्रकार कुछ है। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ठंड का समय है, तो अभी ठंड के समय में ईंट को सूखने में करीबन 2 से 3 दिन 4 दिन भी का टाइम लग रहा है। यदि धूप निकल रही तो 3 से 4 दिन में ईंट सूख रही है, यदि धूप नहीं निकल रहा है, काफ़ी मौसम ख़राब है या फिर बदलाव है, तो करीबन हफ्ते भर में लग जाता है ईंट को सूखने लिए। इसलिए ईंट को कुछ खड़ी किया जा रहा है, जिस प्रकार से खड़ी ईंट करने से ईंट काफ़ी जल्दी से सूख जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये झुग्गी अभी रेडी हुई है, तभी ये कच्ची है, इसको आज ही लिपाई पुताई किया गया है। और यहाँ पर पथाई का काम तो पहले से जारी था और अब अच्छे से जारी होगा। और यहाँ पर रखी हुई है अपनी सीढ़ी जो कि लोहे की है। और दोस्तों मिट्टी की बात की जाए तो अभी ये देख सकते हैं मिट्टी किस प्रकार है, हालांकि यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ, यानी कि कहा जाए तो हो सकता है तो कुछ मिट्टी कहा जाए तो रेतीली है और कुछ मिट्टी काली है, यानी दोनों मिक्स मिट्टी है। तो थोड़ा मिट्टी बनाने में थोड़ा सा मतलब कहा जाए तो मतलब थोड़ा सा इसमें वो नहीं आता, क्या है फावड़े में पकड़ती है, यानी चिपकती ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा रेतीली मिट्टी है नहीं, इसलिए ज़्यादा रेतीली रहती है मिट्टी तो उसमें फावड़े से खींचते समय वह मिट्टी फावड़े में फंसती नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा वो होने की वजह से, काली होने की वजह से थोड़ा का ज़्यादा दोमट मिट्टी है ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भट्ठा लगाने का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि मौसम बदलते रहता है तो इसको इस प्रकार इसको बना के रख दिया गया है, जिससे जैसे कि जो ईंट सूख जाएंगी तो उसको यहाँ पर ला के डाल दिया जाएगा इसमें। तभी ये देख सकते हैं ये किस प्रकार बनाया हुआ है नीचे से, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जैसे कि ये ईंट खड़ी है तो नीचे वाली जो ईंट है तो वो पट है, यानी गिरी हुई ईंट है, और उसके बाद ये और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार, इसके लेवल में कहा जाए तो ये लकड़ियाँ भरी गई हैं जो कि लकड़ियाँ कुछ इस प्रकार है, तो इसी लेवल पे कहा जाए तो ये भरा हुआ है पूरी तरह। और इसमें कहा जाए तो एक पट खड़ी ईंट आएगा, यानी एक पट खड़ी बोले तो इस प्रकार। और दोस्तों यहाँ पर ये रखा हुआ है मुर्गी खाद, यानी जो मुर्गी फार्म में जो मुर्गी को बैठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भूसा को, वही वाला मुर्गी खाद है, इसको भी लाया गया है, इसको भी उसी भट्ठे में डाला जाएगा। तो ये कहा जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ये मुर्गी खाद कोयले की अपेक्षा होता है, यानी जितना कोयला डाला जाता है उसी तरह ये भी काम करता है। तो इसको यदि हर एक पट में यानी कोयले की जगह इसी का इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, कोयले कितना ही इसमें भी आग होती है या फिर उतना ही शक्ति होती है इसमें भी ईंट को पकाने के लिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं भूसा, जो कि कहा जाए तो अभी 2 ट्राली है, यानी इसी ट्राली में ये देख सकते हैं इसी ट्राली में लाया गया है, तो 2 ट्राली है, जो कि और कहा जाए तो उसमें मिट्टी में डालने के लिए जो यूज करते हैं तो उसमें कहा जाए तो आधा तक मतलब मिट्टी में चला गया है, और ये 2 ट्राली है इस प्रकार इसी में लाया गया था। और यहाँ पर कहा जाए तो ये है छैना, ऊपरी कंडे जिसको बोलते हैं, तो इसको भी इसी भट्ठे में ही डाला जाएगा।
तो अभी तो सबसे पहले एक पट लिया जाएगा, उसके बाद दो दो पट इसी प्रकार लिया जाएगा। तो अभी तो ईंट पत्थाई का काम उतना खास चल नहीं रहा, क्योंकि समझ सकते हैं अभी मौसम काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बदली आ जाती है एक दो दिन में, तभी पत्थाई उतना खास चल नहीं रही है। लेकिन जो भी ईंट सूख गई हैं तो उसको रखना पड़ेगा इसी भट्ठे में, तो इसको जारी कर दिया गया है। यानी भट्ठे का जो नीचे का भाग होता है तो उसमें लकड़ी बिछा कर उसको जारी कर दिया गया, जिसमें इसमें ईंट डाल दिया जाए सूखी ईंट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसमें चिल्फा पूरी तरह चिल्फा ही चिल्फा डाला गया है, यानी और कुछ नहीं डाला गया है। और नीचे कहा जाए तो आधे टुकड़े बिछा के उसके ऊपर चिल्फा डाला गया था। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मोटी लकड़ियाँ डाली हैं, बस इतना ज़रूर रहता है कि आपने लकड़ियाँ कितनी डाली हैं, चाहे छोटी लकड़ियाँ डालें चाहे बड़ी लकड़ियाँ। तभी ये देख सकते हैं इसकी हाइट कितना है, तो यानी कहा जाए तो यदि माना जाए तो चार ईंटें खड़ी की लेवल में मान लिया जाए तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।